दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन या इसी को साठ साल पेंशन बो बोलते हैं ये इसी को बुढ़ापा पेंशन बोलते हैं इसी को ओल्ड एज पेंशन बोलते हैं जो भी आपके घर में साठ साल से ऊपर व्यक्ति हो जाता है उसको सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है इसके लिए आपको वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करना होता है प्रत्येक राज्य आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो ज़्यादातर राज्य साठ साल के ऊपर जो वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा पेंशन चलाती है जिसके तहत क्या होता है हर महीने साठ साल से ऊपर व्यक्तियों को कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ एक हज़ार रुपये प्रति महीने साठ साल पेंशन प्रदान की जाती है जो कि प्रत्येक तीन महीने के बाद आपके अकाउंट में भेज दी जाती है तीन हजार रुपये जिससे वृद्धजनों का खर्चा चलता है और उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं मिलती है तो इसी पेंशन के विषय में वृद्धा पेंशन कैसे आप अप्लाई करेंगे दो हज़ार में पूरा प्रोसीजर बताएंगे आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं मैं पूरा ए टू जेड प्रोसीजर बताऊंगा आप खुद भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और आसानी से इसका लाभ उठा पाएंगे तो चलो चलो स्टार्ट करते हैं वृद्धा पेंशन कैसे अप्लाई करना उससे पहले अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें साथ साथ वेलाइकन जरूर दिन से मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें यहाँ पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं नए नए आपको स्कीम्स मिलती रहती हैं जो भी स्कीम्स आती हैं तो आप तक मैं जरूर पहुँचाता हूँ तो आज का जो टॉपिक है ओल्ड एज पेंशन वृद्धा पेंशन उसका पूरा और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दिया है क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो ओल्ड एज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे सब कुछ यहाँ पर आप कर पाते हैं देखिएगा वृद्धा पेंशन योजना के विषय में अगर आपको जानना है यहाँ से जान सकते हैं सूची वगैरह देख सकते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन करें तो ऑनलाइन आवेदन करें पर आपको क्लिक करना होगा से आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए टैब पे ओपन हो जाएंगे और इस पर आपको देखिए व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स हैं आपको बारी बारी सारी डिटेल फिल करनी होती है तो सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण भरना होता है जिसमें कि आपको जनपद सिलेक्ट करना होता है किस आप जनपद से बिलोंग कर रहे हैं इसके बाद आप शहरी हैं ग्रामीण वो सिलेक्ट करना होता है इसके बाद आपको तहसील अपना तहसील सिलेक्ट करना होता है आवेदक का नाम दोस्तों आवेदक का नाम डालते समय विशेष ध्यान ये रखना कि आधार कार्ड में जो अंकित नाम वो सेम टू सेम वही डालें उसका लिंग सेलेक्ट करना है पुरुष या महिला उनकी जन्म तिथि जो कि आपको आधार कार्ड में मिल जाएगी पिता या पति का नाम यहाँ पर डालना है पिता का भी डाल सकते हैं या पति का नाम डाल सकते हैं श्रेणी यहाँ पर डाल सकते हैं ओबीसी बी जनरल एस सी एस टी क्या है इसके बाद एक मोबाइल नंबर डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी क्योंकि इसी मोबाइल पर आपको आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा तो ऐसा मोबाइल डालें जिसमें रिचार्ज हो और वो चालू हालत में हो एक दूसरा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं दो यहाँ पर नहीं सॉरी एक ही है उसको कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस जो आधार कार्ड में एड्रेस लिखा वो पूरा एड्रेस यहाँ डालना होगा तो ये व्यक्तिगत जानकारी आपकी भर जाएगी अब यहाँ पर दोस्तों बैंक का विवरण भरना है क्योंकि बैंक का विवरण भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो आपके इसी बैंक में आएगा तो सबसे पहले आप यहाँ बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे बैंक की शाखा का नाम सेलेक्ट करेंगे खाता नंबर डालेंगे फिर से खाता नंबर डालेंगे और आई कोड आपको यहाँ पर डालना होगा जो कि बैंक की पासबुक में लिखा रहता है इसके बाद आय प्रमाण पत्र आय का विवरण डालने के लिए यहाँ पर आपको वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है तो आप पहले आय प्रमाण पत्र बनवा लें इसके बाद इसे अप्लाई करें तो यहाँ पर सबसे एप्लीकेशन नंबर आय प्रमाण पत्र में लिखा होता है और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर सर्टिफिकेट डालना दोनों की आय प्रमाण पत्र में लिखे रहते हैं इसके बाद कुछ आपको दस्तावेज अपलोड करने होते हैं जैसे कि जिसका आप आवेदन कर रहे हो उसका रंगीन कलर्ड फोटोग्राफ यहाँ पर जो कि बीस के से ज़्यादा ना हो और डॉक्यूमेंट अपलोड जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र मतलब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करना है जो कि दो सौ के बी से ज़्यादा ना हो दोनों देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में और ये फोटो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी होती है इसका तो आपको डिक्लेरेशन देना होता है यहाँ पर क्लिक करना होता है ये जो ये यहाँ पर जो भी अक्षर आपको दिखाई देंगे अपने कंप्यूटर पे वो यहाँ पर डालने होते हैं और आपको सबमिट कर देना होता है अब आपको दोस्तों वृद्धा पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है आपका पंजीकरण संख्या आपका पंजीकरण संख्या नीचे लिखा होगा मैंने हाइड कर रखा है कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ पर क्लिक करें आपका पंजीकरण संख्या हो चुका है अब आपको फिर से पहले पेज पर आना है इस वाले पेज पर अब यहाँ पर आपको आवेदन लॉगिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओल्ड एज पेंशन सेलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन आईडी जो एप्लीकेशन नंबर मिला वो और जो आपने मोबाइल नंबर डाला वो सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके एक ओटीपी जाएगा वो ओटीपी टी यहाँ डालकर और एक कैप्चर डालकर लॉगिन करना है तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो आपका देखिएगा यहाँ पर पेंशन ओल्ड एज पेंशन और प्री रजिस्ट्रेशन आई दिख रही है आपको अप्लीकेशन नेम दिख रहा है अपलिकेंट नेम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के चार अंक दिख रहे हैं मैंने सारी चीज़ें हाइड रह कर रखी आवेदन की स्थिति में आप देख सकते हैं अपलीकेशन फॉर्म फिल्ड सक्सेस फुली अभी आपके दो स्टेप में रेड कलर का निशान लगा है इन दोनों को भी आपको भरना होगा अप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक ये भी अप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन ये दोनों स्टेप आपको करने होंगे या नीचे देखें आवेदन की स्थिति में भी अप्लीकेशन लॉकड बाई अभी नहीं हुआ है तो इसके लिए अब आपको सेकेंड स्टेप पर क्लिक करना होगा तो जैसे आप सेकेंड स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पहली व्यक्तिगत विवरण भरा था वो पूरा यहाँ पर दिखेगा मैंने हाइड कर रखा है आपको नीचे आना है पहले आपने जो बैंक डिटेल फिल की थी वो आपकी भरी हुई कोई भी अगर संशोधन करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं आय का विवरण इनकम सर्टिफिकेट नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर वेरीफाइड हो चुका है देखिएगा यहाँ पर देखिएगा मैंने काफ़ी चीज़ें हाइड कर रखी हैं क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ से इसके बाद यहाँ पर दस्तावेज़ में आपका फोटो अपलोड होगा यहाँ पर अपलोड की गई प्रमाण पत्र देखें यहाँ पर आपका आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है देखिएगा यहाँ पर से आप देख सकते हैं अब आपको नीचे आना तो है डिक्लेरेशन दिखता है डिक्लेरेशन पर आप क्लिक करेंगे फिर से कैप्चर डालेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो अपडेट डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं या आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ से फाइनल सबमिट कर दें सक्सेसफुल सक्सेस फॉर फाइनल सबमिशन आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है फाइनल आपको ओके करना है अब आप देखिए आपके यहाँ पर दूसरा स्टेप भी ग्रीन हो चुका है यहाँ दोनों स्टेप ग्रीन हो चुके हैं अब आप आपको थर्ड स्टेप अपना फिर से कंप्लीट करना अप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन इस पर क्लिक करना है ये देखिए या जैसे क्लिक करेंगे तो आपके तीनों स्टेप ग्रीन हो जाएंगे तीनों स्टेप आपके फाइनल हो चुके हैं यहाँ पर नीचे आवेदन की स्थिति भी आपके देखिएगा पूरा पूर्ण हो चुका है अब आपको फाइनल प्रिंट कर लेना है सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना है प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिन क्लिक करना है तो जैसे आप फाइन प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा इसे आपको प्रिंट कर लेना है आपका फाइनल सबमिट हो चुका है आपके भर चुके हैं फॉर्म इसे प्रिंट कर लेना है प्रिंट करके आपको इसके जितने भी आपके साथ कागज़ थे आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट वगैरह इन सभी का फोटो कापी निकाल कर इसके साथ लगा लेना है अपने ग्राम प्रधान से जाकर इसमें हस्ताक्षर और मोहर लगवानी है इसके बाद अपने सचिव से जैसे सेक्रेटरी कहते हैं उससे हस्ताक्षरित कराना है और मोहर लगवाना है इसके बाद अपने ब्लॉक में जो भी आपका ब्लॉक पढ़ता हो वहाँ पर जाकर सबमिट कर देना है कुछ दिन आपको वेट करना है वेट करने के बाद आपका जो भी पेंशन है वो आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये पूरा प्रोसीजर होता है वृद्धा पेंशन अप्लाई करने का और लास्ट फाइनल सबमिट करने तक का तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है अगर आप हमसे आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है उस पर आप जाकर कॉन्टेक्ट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग